हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जब भी कोई आईडी सेलेक्ट करोगे तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आपको ये जो नीचे आपका टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया हुआ है आपने, इसमें आपको कैसे डिस्प्ले करना है। तो गाइज़, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कॉम्बो बॉक्स में कस्टमर की आईडी को डिस्प्ले करेंगे। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उस वीडियो का आप उसे ज़रूर देखिए। और उसके बाद अब जब आप यहाँ से कोई आईडी सेलेक्ट करोगे तो उसका जो नाम होगा तो उसे हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे, एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर, आई पावर और कंसल्टेंट डॉक्टर, तो ये सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे उसे डिस्प्ले करेंगे जब वो यहाँ से कोई कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेगा तब। तो उसके लिए करना कि आपको कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इवेंट सेक्शन, यहाँ पर आएंगे तो इसका एक इवेंट होगा सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। यहाँ पर क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको करना है डबल क्लिक, तो ये आपको ये इसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज जो इवेंट है आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तो पहले कोड लिखना है, तो कोड इसका क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें कनेक्शन को ओपन करना होगा, तो क्या लिखेंगे, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन हमारा ओपन हो गया। तो हमारे पास एक str नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है, तो str इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें जो क्वेरी होगी हमारी, तो क्वेरी है हमारी सेलेक्ट करना है हमें, तो सेलेक्ट क्या करना है, स्टार फ्रॉम कहाँ से कस्टमर, आपको टेबल का नाम देना है कस्टमर टेबल, और यहाँ पर एक कंडीशन होगा, कंडीशन कह रहा है कि वेयर जो कस्टमर आईडी होगी, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, आपने जो कॉम्बो बॉक्स यूज किया हुआ है उस कॉम्बो बॉक्स से वो वैल्यू आएगी। तो कॉम्बो बॉक्स आएगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्परसेंट, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉम्बो बॉक्स वन, ठीक है, तो कॉम्बो बॉक्स वन डॉट इसका टेक्स्ट। तो डिज़ाइन की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम्बो बॉक्स में आप जो भी कस्टमर आईडी सेलेक्ट करोगे उसी कस्टमर आईडी का सारा रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट करना है, सब कुछ सेलेक्ट करो, कस्टमर वाले टेबल से जहाँ पे कस्टमर आईडी जो कॉम्बो बॉक्स वन में सेलेक्ट किया गया है वो हो। इसके बाद आपको कमांड का ऑब्जेक्ट, तो सॉरी SQL यानी कि OLEDB कमांड का ऑब्जेक्ट, CMD इज इक्वल टू, आपको लिखना है न्यू OLEDB कमांड, और यहाँ पे आपको क्या पास करना है, यहाँ पर आपको str यानी कि क्वेरी और आपका कनेक्शन, ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे पास कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ कंडीशन, हमने लगाएंगे, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू होगी किस टाइप की होगी, वो वैल्यू होगी आपका नंबर टाइप होगा, ठीक है, तो सही है। तो इसकी ज़रूरत आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक मेथड है इज नंबर करके, ठीक है, सॉरी इज न्यूमेरिक करके, इज न्यूमेरिक क्या, अगर नंबर हो, क्या नंबर हो, कॉम्बो बॉक्स वन की जो वैल्यू होगी डॉट टेक्स्ट, अगर ये नंबर होगी तो उस केस में हमें क्या करना है, CMD डॉट, सपोज अगर आप टेक्स्ट बॉक्स से ले रहे होते वैल्यू, कहाँ से ले रहे होते, टेक्स्ट बॉक्स से, तो टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल होता है जहाँ पे आपको खुद वैल्यू इंटर करनी होती है। तो अगर आप वहाँ पे नंबर की जगह पे आप ABCD या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू वहाँ पे इंटर करते हो तो यहाँ पे ये आपका ये काम आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा है CMD डॉट, आपको क्या बनाना है यहाँ पे, कमांड टेक्स्ट। तो कमांड टेक्स्ट क्या है आपका, अब यहाँ पे देखो जो कमांड टेक्स्ट है आपका, अच्छा तो ये जो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है यही तो हमारा कमांड टेक्स्ट है। तो ऐसा करेंगे हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम इस बार, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है, एक पैरामीटर भी बना लेते हैं, चलो इसे हम थोड़ी देर के लिए, इसे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, इसे हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे यहाँ पे एक टास्क जो है कि चलो CMD इज इक्वल टू कमांड, तो कमांड में हमें अक्सर जो हमारा जो क्वेरी होता है हम वो लिखते हैं, तो हमारी क्वेरी क्या है, CMD, आपने लिखा CMD डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको क्वेरी लिखना है, तो क्वेरी हमारी है सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम देना है आपको कस्टमर, कंडीशन होगा वेयर कस्टमर आईडी, अब कस्टमर आईडी कहाँ से आएगी, तो हमने एक पैरामीटर बना लिया, चलिए कि हमने किया एट द रेट, मान ला कि वो CID नाम से कोई हमारा एक पैरामीटर है, तो ये आपने बना लिया आपका पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे CMD डॉट, अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, चलो प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करना है, CMD डॉट, अब यहाँ पे जो पैरामीटर आप बनाओगे तो पैरामीटर एड विथ वैल्यू, ठीक है, तो एड विथ वैल्यू करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको पैरामीटर का नाम देना है, तो डबल कोटेशन में पैरामीटर का नाम CID,
इट्स एट द रेट होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, डॉट हैश, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब ये यहाँ की जो वैल्यू होगी, सीआईडी की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये आ रही है कम्बो बॉक्स वन से, तो आपको उस कंट्रोल का नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक डेटा रीडर ऑब्जेक्ट, तो हमने बनाया डिम डी आर एज ओले डी बी डेटा रीडर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी? तो मैंने बोला सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर, जब ये मेथड कॉल होगा जो भी वैल्यू आएगी वो जाके डी आर में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ट्राई और कैच। ट्राई कैच मतलब कि अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो ये ट्राई कैच उसे हैंडल कर लेगा। तो ट्राई के अंदर आपको वो कोड लिखना है जहाँ पे आपको आपको लग रहा है कि ऐसा कोई चांस है कि यहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। तो जिस कोड में एरर आ सकता है उस कोड को आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना हुआ है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, आपको लिखना है डी आर डॉट, आपको करना है रीड। रीड मेथड के थ्रू अगर डेटाबेस में वैल्यू अवेलेबल होगी तो यहाँ पे डी आर जो तो है ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये वैल्यू को रीड करेगा, रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली मैनर में रीड करता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। आप इसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इफ़ डी आर डॉट रीड करके, ठीक है, इस तरीके से। अगर वैल्यू होगी तो क्या करेगा, ठीक है, अगर वैल्यू होगी तो हमारे पास जो कंट्रोल है क्या है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, डी आर डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स वन में हम नेम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, परफेक्ट। फिर आपके पास क्या है, एक दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी आर डॉट गेट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू नंबर टू, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, तो आप इसे क्या करना है, इसे आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से, मैंने किया ऐसे कॉपी। अब इसे आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, यह आपका हो जाएगा नंबर फोर, यह आपका हो जाएगा नंबर फाइव, और यहाँ पे भी आपको चेंज करना है, दिस इज थ्री फोर एंड फाइव, गुड, ठीक है। तो इसके होगा क्या रहा है कि डी आर में अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो डी आर ऑब्जेक्ट जो है उसके पोजीशन नंबर वन पे जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स वन में उसे डाल दो, टू पे जो है उसे टू में डाल दो, पोजीशन नंबर थ्री पे जो वैल्यू है उसे टेक्स्ट बॉक्स नंबर थ्री में डाल दो, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से वैल्यू को आपने असाइन कर दिया पर्टिकुलर, कि कौन सी वैल्यू किस कंट्रोल में यहाँ पर आपको उसे इंटर करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये जब हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डी आर डॉट इसे कर देना है क्लोज, तो डी आर को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। नहीं तो एक्सेप्शन वाले फील्ड में चलेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है मैसेज बॉक्स, और इस मैसेज बॉक्स में आपको तो एक मैसेज होगा, और कॉमा के बाद आपको यहाँ पर एक आपका जो ई एक्स डॉट मैसेज करके, ठीक है, जो भी मैसेज होगा आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, और आप यहाँ पे भी डी आर डॉट इसे कर देते हैं क्लोज, और आप चाहे तो यहाँ पे फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनली यूज करेंगे, और यहाँ पे कॉन डॉट इसे आप क्लोज को यहाँ पे कर देना है, इस तरह से क्लोज, आप इसे सेव कर लोगे। अब एक बार हम देखते हैं रन करके क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, तो कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, और इसे लॉगिन करेंगे हम, यहाँ पे लॉगिन करते हैं, पासवर्ड 1 2 3 4 5, ये किया मैंने लॉगिन, और होम पेज पे आ चुके हैं, यहाँ से एडिट पे आ गए, ठीक है। तो ये फॉर्म है, यहाँ से हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमर आईडी दिख रही है, तो यहाँ से आपको कोई भी कस्टमर आईडी आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, कैसा एरर दे रहा है, कह रहा है एरर में कह रहा है कि कनेक्शन नॉट क्लोज, अच्छा कनेक्शन आपका क्लोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या पे क्या करते हैं, यहीं पे सबसे पहले क्या करते हैं, कनेक्शन ओपन करने से पहले हम करेंगे कि कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे, तो कॉन डॉट क्लोज, मान लो कहीं कनेक्शन अगर ओपन हो तो पहले क्या करना है, उसे क्लोज करो फिर से उसे ओपन करो, ठीक है। तो ये हो गया, कनेक्शन क्लोज भी होगा तो ओपन भी होगा तो क्लोज हो जाएगा, तो फिर से लॉगिन करेंगे, तो कोडर और 1 2 3 4 5 ओके पे क्लिक किया, तो हम लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पे एडिट पे आ गए, और यहाँ से आपने एक बंदे का आईडी सेलेक्ट किया तो उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और सारा का सारा डिटेल आपको देखने को मिल जा रहा है। फिर दूसरे का आपको करना है तो ठीक है, जैसे जैसे आप जिस भी आईडी का आपको देखना है, जिस भी बंदे का आपको देखना है, यहाँ से आपको कस्टमर आईडी सेलेक्ट करना है, और आप उसका रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ से रिकॉर्ड देख सकते हैं। अच्छा, तो हम इसमें टाइप कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें टाइप भी कर सकते हैं। तो टाइप करने पर तो कुछ तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं, हमने जो कोड लिखा है कहाँ पे लिखा है, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे
आप जो भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसका रिकॉर्ड। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए इसका रोल आईडी 5 है, इसका मुझे नाम यहाँ पे एडिट अपडेट करना है। तो नाम जो है इसका, तो इसका नाम क्या है, तो मैंने इसका नाम इस तरीके से कुछ ये रखा, ठीक है। ये इसका नाम मैंने दे दिया। अब जब मैं यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो ये जो नेम है ये अपडेट हो जाए, ठीक है। या मोबाइल नंबर, अगर उसका फ़ोन नंबर मुझे अपडेट करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, तो अब जब मैं अपडेट पर क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाए। और अगर मेरे जो डिलीट करना हो तो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, आपको यहाँ से उस पर्टिकुलर बंदे का आईडी सेलेक्ट करना है, और जैसे आप डिलीट बटन पर क्लिक करोगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये दोनों टास्क जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो यार लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।